हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो आज हम आपके सामने फिर एक वीडियो लेके आ चुके हैं। मैं जानता हूँ कि ये वीडियो काफी लेट हुआ है, लेकिन हम अब से कोशिश करेंगे कि जो सारे के सारे वीडियोस हैं वो जल्द से जल्द नए वीडियोस आप तक पहुंचाएं। और ये जो वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि हाल ही में जिन लोगों जो भी स्टूडेंट्स है अप्लाई कर रहे हैं इटली आने के लिए, उन लोगों को जो जिसको भी पहली बार तो एडमिशन लेटर आ गया है उसको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और ये वीडियो में आगे हम बात करने वाले हैं कि वीजा प्रोसेस के बारे में, और उसमें भी जो लाइक टू मेन इम्पोर्टेंट रीजन है कि जिससे आप अपना वीजा रिजेक्शन रेशियो बहुत ही कम कर सकते हो। और ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफी जो सारे मेरे फ्रेंड्स है और जो स्टूडेंट्स वहां से यहाँ आते हैं उससे मैंने बात की, और मुझे पता ये चला कि ये तो दो जो रीजन है मेन, वो मुझे लगता है कि ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं कि आपका मतलब प्रोफाइल कितनी स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो इनमें से पहला रीजन ये है कि एक तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपका, और दूसरा है कि एकेडमिक बैकग्राउंड। अब ये दो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ मैंने ये नोटिस किया कि जो भी लाइक स्टूडेंट्स है वीजा अप्लाई करने जाता है तो यही दो मेन रीजन होते हैं जो उसकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो आइए हम बात करते हैं कि आप अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं ये दो पॉइंट को लेकर। तो पहली बात है कि आप अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसे स्ट्रॉन्ग करें। मान लो कि अगर कोई स्टूडेंट है उसका एकेडमिक बैकग्राउंड काफी अच्छा है, काफी स्ट्रॉन्ग है, एक्सीलेंस है एकेडमिक बैकग्राउंड, लेकिन फाइनेंशियल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो देखो आप क्या कर सकते हो कि आपका पापा अगर या फिर गवर्नमेंट जॉब कर रहा है फर्स्ट, तो वो मेंशन करो आप, ठीक है। और उसका आईटीआर नहीं है तो आईटीआर पे करो, आईटीआर फाइल करो, और उसका लास्ट 3 ईयर का आईटीआर वो मेंशन करो आपकी वीजा एप्लीकेशन में। सेकेंड चीज है कि कोई आपके पास अगर लाइक सैलरी स्लिप्स है 6 मंथ की तो वो शो करो, क्योंकि अगर देखो सैलरी स्लिप्स आप शो कहीं कहीं बच्चे ऐसा है कि बहुत लाइक 5-1 ईयर की शो कर देता है, लेकिन उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। मतलब ऐसे नहीं है कि आपकी प्रोफाइल सारी इतनी लंबी आप फाइल लेके जा रहे हो वहां पे कंसोलेट में और वो उसके पास टाइम नहीं है देखने के लिए। तो मतलब हो सके तो मिनिमम 3-6 मंथ की आप सैलरी स्लिप शो कर सकते हैं, काफी अच्छी बात है वो, मुझे ऐसा लगता है। और सेकेंड चीज क्या है, अगर ये आपके पापा की गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो मेरे केस में था, क्योंकि मैंने अपने पापा को स्पॉन्सर दिखाया था, और मेरे पापा जो है कि वो लाइक एक फैक्ट्रीज होती है सूरत में, तो उसमें लाइक डायमंड के ऑफिस में जॉब करते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब नहीं थी मतलब। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, तो मैंने लोन ली, स्टूडेंट लोन। तो मुझे लगा कि ये काफी अच्छा एक वे है फाइनेंशियल बैकग्राउंड को स्ट्रॉन्ग बनाने का कि आप स्टूडेंट लोन अप्लाई करो ऑन द बेसिस ऑफ लाइक हियर यूनिवर्सिटी एंड द एडमिशन लेटर। मिनिमम अगर आप 8-10 लाख के भी लोन शो करोगे ना तो बहुत ही अच्छी बात है, और रेस्ट ऑफ लाइक मनी है जो कि आपका 4-5 लाख वो आप केस में अगर बैंक में शो करोगे एकदम स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बन जाएगी ये भी। तो अच्छी बात यह है कि अगर इतना फाइनेंशियल बैकग्राउंड आप स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते तो लोन लो, और या तो फिर आपके पापा के कोई बिजनेस है तो आप बिजनेस सर्टिफिकेट शो कर सकते हो, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट शो कर सकते हो, और कोई बॉन्ड्स है या फिर कोई स्टॉक में इन्वेस्ट किया है वो भी आप शो कर सकते हो अगर है तो। अब सेकेंड चीज है कि मान लो अगर आपका फाइनेंशियल तो चलो ठीक है और एकेडमिक इतना ठीक नहीं तो क्या करें। तो इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि देखो फाइनेंशियल तो बहुत अच्छा है, लेकिन इकोनॉमिक एवरेज या बिलो एवरेज है, तो आप कहीं ऐसा है कि वर्कशॉप अटेंड किया कोर्स के रिलेटेड वो उसका सर्टिफिकेट उसमें शो कर मेंशन करो, कहीं आपने अगर पेपर पब्लिश किए रिसर्च पेपर तो वो भी मेंशन कर सकते हो। और अगर ये सब नहीं किया तो आप एक काम कर सकते हो, छोटा सा कोई कोर्स है Udemy ऑनलाइन कोर्स है, आपके आजू बाजू आपके लाइक जहाँ पे सिटी में कहीं आप कोर्स चल रहा है वो आप अटेंड कर सकते हो, लाइक 4-5-6 मंथ का कोर्स, वो सर्टिफिकेट लेके अटैच करो, या फिर इटालियन सर्टिफिकेट है वो लैंग्वेज सीख के लाइक A1 या A2 B1 लेवल तक का वो अटैच करो। तो इससे आपका क्या होगा कि जो एकेडमिक
प्रोफाइल है वो आपका थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और भी दो इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या क्या बच्चे भूल करते हैं कि अभी हाल ही में ये जो वीजा एप्लीकेशन हुआ है उसमें जो चेकलिस्ट में अगर आपको कितना बैलेंस शो करना, ये काफी बच्चों का ये सवाल होता है। तो हाल ही में अभी जो चेकलिस्ट है मैंने वो पढ़ी, मैं आपकी अगर आपको चाहिए तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा और VFS ग्लोबल की वेबसाइट भी है, वहां पे आप जाओगे उसकी लिंक भी दूंगा। तो आप जैसे ही जाओगे पूरा प्रोसेस वहां पे बताया हुआ कि क्या से क्या करना है, अगर आप कौन से जुरिसडिक्शन में आते हो सब कुछ उसमें बताया हुआ है, कौन से सिटी में हो तो कहाँ आपको वीजा अप्लाई करना है और कितनी फीस होगी, क्या प्रोसेस है, सब उसमें दिया। तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप चेक कर सकते हो। और अगर मोर चाहिए लाइक कवरिंग लेटर कैसे बनाना है तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक भी मैं दे दूंगा, तो वहां जाके भी आप चेक कर सकते हो कि क्या मेन चीज है वो आपको जो ध्यान रखनी है व्हाइल यू आर मेकिंग योर कवरिंग लेटर फॉर द वीजा एप्लीकेशन। तो हम कहा थे कि हम बात कर रहे थे कि हाँ कितना बैंक बैलेंस आपको शो करना है। मान लो हाल ही में जो चेकलिस्ट है उसमें पॉइंट ये लिखा है कि अप्रोक्स 6000 यूरो पर ईयर आपको शो करना है। अब ऐसा नहीं है कि आपका कोर्स 2 साल का है तो आपने 6000 यूरो शो कर दिया, इसमें लिखा है कि 6000 यूरो पर ईयर लाइक द नंबर ऑफ योर स्टडी कोर्स। लाइक अगर आपका 3 साल का कोर्स है तो 3 साल के लिए अप्रोक्स हो गया 18000 यूरो आपको बैंक बैलेंस में शो करना पड़ेगा। और अगर आप फ्लाइट टिकट्स के लिए लोग क्या करते, डमी बुक करते, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि डमी फ्लाइट टिकट्स ना बुक करें, एकोमोडेशन डमी ना बुक करें। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर डमी बुक नहीं करना है तो उसमें बुक मेंशन किया कि आप एक्स्ट्रा 2000 यूरो शो कर सकते हो, और ये मेंशन करना कवरिंग लेटर में कि मैंने इतने पैसे शो किए और एक्स्ट्रा ये अमाउंट मैंने सिर्फ फ्लाइट टिकट रिटर्न फ्लाइट टिकट के लिए रखा है। तो ये भी आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कर सकता है, ठीक है। और हाँ, और अब आते कवरिंग लेटर पे, तो कवरिंग लेटर जो आप बनाओगे तो ऐसा नहीं है कि 3-4 पेज का बना डालो, उसको ना लाइक काफी छोटा भी नहीं होना चाहिए और काफी लंबा भी नहीं होना चाहिए। इसमें इन लोगों ने साफ लिखा है कि मिनिमम 1 पेज तो मैक्सिमम 2 पेज, 2 ये लिखा नहीं लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर लाइक 1 पेज में सब डिटेल्स ना आए तो मिनिमम 1 पेज से लेकर 2 पेज तक आप जा सकते हो, उससे ऊपर मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। और पूरा कुछ उसमें मतलब सारा कवर हो जाएगा इतना में। तो और मेन छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखे सारी डिटेल्स, बैंक डिटेल्स लिखे, अपना इंट्रोडक्शन लिखे, बैकग्राउंड लिखे, फाइनेंशियल बैकग्राउंड उसमें मेंशन किए कर सकते हो आप। तो ये सारी जो चीजें वो छोटी छोटी चीजें वो मैटर करती है आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाने में। और मैंने जो ये बोली कि दो ये जो रीजन है ये मेन है, अगर इसमें से भी आपको कोई अगर सवाल हो कोई पूछना हो तो कमेंट आप कर सकते हो। और बाकी की जो वीजा प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है, तो आप चाहिए आपका अगर एडमिशन लेटर आ गया है तो अपॉइंटमेंट बुक कीजिए VFS से और सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कीजिए अच्छे से, और ध्यान रखिए कि आपके हर डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके आपको साथ लेके जाना है और जेरॉक्स अटैच करना है फाइल में, ओरिजिनल कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल सबमिट नहीं करना है। अगर वो लोग आपको बाद में बोलेंगे कि हमको अगर लाइक चेक करना है वेरीफाई करना है तो आप उसको मेल में ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स मेल में आप उसको सेंड कर सकते हो, या फिर अगर एक लाइक मीटिंग कर सकते हो छोटी सी, आप वहां जाके उसको डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हो अगर ऐसा हम लोगों ने पॉसिबल हुआ बोला तो। तो ये था वीडियो में आज का, और बाकी की सारी लिंक्स जो होंगी वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और लाइक और बाकी आपको अगर कोई भी लाइक डाउट हो, क्वेश्चन हो वीजा रिलेटेड तो जरूर कमेंट कीजिए। हालांकि ये वीडियो बहुत छोटा है लेकिन मैं इसको छोटा ही बनाना चाहता हूँ क्योंकि लंबा वीडियो इतना कुछ मैटर नहीं करता, ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना चुके हैं वीजा के ऊपर और इस साल जो इतना कुछ अपडेट है नहीं, चेकलिस्ट मैंने देखा है तो चेकलिस्ट की लिंक भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वीजा VFS ग्लोबल की लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और जो वीजा और जो वीजा का हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो जाके चेक कीजिए। एंड आई होप फॉर बेटर फ्यूचर एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू और मिलते हैं अगले वीडियो में, सब तक के लिए बाय।